हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लास में। मेरा नाम है जीशान। दोस्तों, यहाँ पर मैंने पंचायती राज विभाग का वेबसाइट खोल कर रखा है और यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें कि पता चल सके कि काउंसलिंग का जो डेट है वो एक्चुअल में क्या है, फाइनली क्या है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारा न्यूज़ दौड़ रहा है, बहुत सारा पेपर में आ रहा है, उसका PDF भी आ रहा है ऑफिशियली कि आपका अलग अलग डेट में आ रहा है। दोस्तों, मैं सारा डाउट आज मैं क्लियर करूंगा कि क्या फाइनल है, क्या होना चाहिए, सब कुछ। मैं आपको 4-5 जगह का न्यूज़ दिखाऊंगा, आपको PDF कुछ लेटर वो दिखाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, आज का जो न्यूज़ है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक झलक फटाफट। आज का जो पेपर है ये मैं आज का दिखा रहा हूँ आपको, मैं सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। हमारे वीडियो को छोड़िएगा मत, लास्ट तक देखिए क्योंकि आपका बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग बाहर रह रहे हैं, बिहार के बाहर, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो बिहार के उसके लिए ज़रूरी है। पूरे बात को समझिए, ये क्या हो रहा है, ये सब डेट अलग अलग हो रहा है। पहले सरकार ने कहा था कि सिर्फ एक डेट में होगा, जिससे कि अलग अलग जगह पर लोग नहीं जा पाएंगे। जो दो जगह से फॉर्म भरे हैं, सिर्फ एक जगह से वो काउंसलिंग कर पाएंगे। और काउंसलिंग में कितने आदमी आएंगे, और जो ड्यूली रजिस्टर्ड है क्या सबको बुलाएगा या सबको नहीं बुलाएगा, कितने लोगों को बुलाएगा, सब मैं इस वीडियो में डाउट क्लियर करूंगा। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके। और वीडियो को लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको जो मैंने कल को जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैं दिखाया था कि पंचायत में जो नियुक्ति होने वाले दोस्तों, उसमें 17 और 20 नवंबर को ये दिखा रहा है। ये जो आपको हिंदुस्तान का जो न्यूज़पेपर है उसकी तरफ से रिपोर्ट आया था, और इसमें भी दोस्तों जो विभाग के प्रधान सचिव का है उसका स्टेटमेंट है ये। उसने इंटरव्यू लिया था होगा, उसने ये डेट बताया होगा। अब ये क्या है, मैंने बताया कि ये सही है, लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। तो हम वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए तो आपको पूरे समझ में आएगा, अगर बीच में आप छोड़ दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वेबसाइट पर कोई भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। और दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि कल का जो मैंने हिंदुस्तान का दिखाया था उसके बाद मुझे कमेंट आया था कि सर कल का दैनिक जागरण में मधुबनी का पेपर देखिए। तो मैं वो खोल कर रखा हूँ, ये कल का ही है। देखिए इसमें सारा कुछ दिखा रहा है कि जो मधुबनी का दोस्तों जो पेपर है उसमें दिखा रहा है कि तकनीकी सहायक पद पर नियोजन की काउंसिलिंग 29 और लेखापाल की पद की 31 अक्टूबर को होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान सेम पेपर में सेम डेट में आपको दिखा रहा है 17 और 20 को। और आपका जो दैनिक जागरण है ये भी बहुत ही बड़ी न्यूज़पेपर है, बहुत ही रिपोर्टेड है, बहुत ही नामी है, ये भी झूठ नहीं छापेगी। ये दोस्तों यहाँ दिखा रहा है कि आपको जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 29 को और लेखापाल के लिए 31 अक्टूबर को होगी। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कल का न्यूज़पेपर है। देखिए यहाँ दिखा रहा है कि 29 नवंबर तक पूरी कर लेनी होगी प्रक्रिया, और स्वीकृत पदों के कोटिवार, यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट में जितना पद स्वीकृत है कोटिवार, उसका 2 गुना को ही काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। यानी यहाँ पर साफ क्लियर है कि जितने लोगों का नाम ड्यूली रजिस्टर्ड में है वो सबको नहीं बुलाया जाएगा। मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर मुझे बताइए कि ड्यूली रजिस्टर्ड जो है क्या सबको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। लेकिन मैंने कभी इस पर जवाब नहीं दिया, कमेंट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था। ये दोस्तों मैं आज इस पर बोल रहा हूँ कि जो ड्यूली रजिस्टर्ड है सभी को नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि जो मेन लिस्ट है सबको जिला वाइज उसके डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया है, और जिला वाइज जो है जो भी मेरिट लिस्ट में आएगा ऊपर से उसको 2 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए, ऊपर से जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसको ही 2 गुना, यानी मान लीजिए 40 सीट है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो 80 लोगों को ही आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि यहाँ साफ लिख रहा है स्वीकृत पदों के कोटिवार 2 गुना अभ्यर्थियों को किया जाएगा काउंसलिंग के लिए आमंत्रित। यानी SC ST OBC जो जनरल जितना भी है, महिला के जितना भी है, उसका 2 गुना को ही काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। मैं साफ साफ बता रहा हूँ। और यहाँ देखिए काउंसलिंग के उपरांत 2 नवंबर को कोटिवार प्रारूप मेगा सूची का किया जाएगा प्रकाशन, और 2 नवंबर को सब कुछ आपका दावा आपत्ति के बाद इसका फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगा। अब मैं आपको शुरू से दिखा रहा हूँ, इसके बाद में जो आज का न्यूज़पेपर है वो भी दिखाऊंगा आपको, तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपको, चलिए यहाँ से दिखाते हैं। सूबे के सभी जिले में उक्त दोनों पदों पर नियोजन हेतु काउंसिलिंग के लिए एक समान तिथि का ही निर्धारण पंचायती राज विभाग द्वारा किया गया है। तकनीकी सहायक पद पर नियोजन हेतु अभ्यर्थियों
की काउंसलिंग के लिए पंचायती राज विभाग ने 29 अक्टूबर 2018 की तिथि निर्धारित की है, जबकि लेखापाल सह आईटी सहायक के पद पर नियोजन हेतु अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए पंचायती राज विभाग ने 31 अक्टूबर 2018 की तिथि निर्धारित किया है। उक्त दोनों पद पर नियोजन हेतु काउंसलिंग के लिए केवल एक एक दिन ही की ही तिथि निर्धारित की गई है। उक्त तिथि को ही सूबे के सभी जिलों में काउंसलिंग होगी। यहाँ पर दिखा रहा है जो भी आपका पूरा राज्य का जो है सभी जिलों में काउंसलिंग होगी इसी डेट को, यानी 29 और 31 को। उक्त दोनों पद पर नियोजन हेतु सारी प्रक्रिया 19 नवंबर 2018 तक पूर्ण कर लेने का अनुरोध डीएम से पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने किया। साफ से लिखा है कि जो अमृतलाल मीणा है जो प्रधान सचिव, उसने डिस्ट्रिक्ट के डीएम से इसका अनुरोध किया है 19 नवंबर तक आपको इसको पूरा कर लेना है। विभाग ने डीएम से अनुरोध किया कि गहन अनुसरण सुनिश्चित करते हुए खुलापन, पारदर्शिता एवं गुणवत्तापूर्ण चयन प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। उक्त दोनों कोटि के पदों पर नियोजन हेतु स्वीकृत पदों के 2 गुना अभ्यर्थियों को कोटिवार काउंसलिंग हेतु बुलाया जाएगा। यहाँ साफ लिख दिया है कि उक्त दोनों कोटि के पदों पर नियोजन हेतु स्वीकृत पदों के 2 गुना अभ्यर्थियों को कोटिवार काउंसलिंग हेतु बुलाया जाएगा। जैसे मैंने ऊपर बताया वही सेम चीज़ है कि 2 गुना जितना पद है 2 गुना बुलाया जाएगा। काउंसलिंग के उपरांत कोटिवार प्रारूप मेगा सूची का प्रकाशन 2 नवंबर को। देखिए आप यहाँ पर आप देखिए, उल्लेखनीय है कि मधुबनी जिले में 100 तकनीकी सहायकों एवं 100 लेखापाल सह आईटी सहायकों का नियोजन संविदा के आधार पर किया जाना है। लिहाजा काउंसलिंग हेतु तकनीकी सहायकों के कुल 200 अभ्यर्थियों तथा लेखापाल सह आईटी सहायक के कुल 200 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। देखिए मैंने ऐसा बताया 2 गुना साफ साफ यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर 100-100 पद दोनों में है तो 2 गुना कितना हुआ 200-200 पद, यहाँ साफ है 200 अभ्यर्थियों तथा लेखापाल सह आईटी के लिए 200 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। याद रखिएगा कि ड्यूली रजिस्टर्ड में जितने भी नाम है सबको नहीं बुलाया जाएगा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ फिर से एक बार। काउंसलिंग के उपरांत 2 नवंबर को कोटिवार प्रारूप मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद जो है प्रारूप मेधा सूची के विरुद्ध 3 से 6 नवंबर तक दावा व आपत्ति प्राप्त किया जाएगा, यानी जो भी आपको उसमें कंप्लेन करना हो आप 3 से 6 नवंबर तक कर सकते हैं। और प्राप्त दावा व आपत्ति के जो अब जो अभी है जो उसका सोल्यूशन है निष्पादन वो 8 से 11 नवंबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मेगा सूची वो प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 19 नवंबर को फाइनली किया जाएगा। नियोजन में किया जाएगा आरक्षण रोस्टर का पालन, ये दोस्तों यहाँ पर जो भी है उसके हिसाब से पालन किया जाएगा। ये मैं आगे आप जानते हैं कितना सैलरी है क्या क्या है। दोस्तों जो मेन चीज़ था मैं आपको बता दिया कि 29 और 31 अक्टूबर को ही आपका होगा जैसा कि बताया गया मधुबनी में। और मैं आपको चलिए दिखा रहा हूँ आज का, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 24 अक्टूबर को, यह आज का न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण का जो कि बांका से प्रकाशित हुआ है। चलिए मैं आपको आज के भी न्यूज़पेपर दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को जो शक है वो दूर हो जाए। इसमें भी दोस्तों सेम दिखा रहा है 29 अक्टूबर को तकनीकी सहायक एवं 31 अक्टूबर को काउंसिलिंग होगी लेखापाल की। ठीक है दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है ये बांका का है कि जो फाइनल है वो 29 और 31 को ही होगा। देखिए जिले में जो भी काम चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए दिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से दिखा रहा हूँ तुझे बनाने को लेकर सभी पंचायतों में तकनीकी सहायक लेखापाल सह आईटी सहायक बहाल होंगे। इसकी बहाली के लिए जिला पंचायती राज विभाग ने ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर तक लिया है। इसके मुताबिक तैयार किए गए आवेदकों की सूची में संबंधित संवर्ग के स्वीकृत पदों के 2 गुना अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया जाए। यहाँ भी साफ साफ लिख दिया है कि जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट है उसके 2 गुना अभ्यर्थियों के लिए बुलाया जाएगा। तकनीक सहायक पद के लिए एक ही दिन 29 अक्टूबर को काउंसलिंग की जाएगी, जबकि लेखापाल सह आईटी सहायक के लिए 31 अक्टूबर को काउंसलिंग की जाएगी। ये रहा और इसमें सब कुछ सेम चीज़ दिया गया है, जितने जितने हैं उस हिसाब से जो मैंने बताया अभी कल का न्यूज़ वो सेम चीज़ इसमें भी छापा है आज का। दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप ये जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियली है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसका अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं आया है, इस वजह से इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसके अनुसार देख रहे हैं यहाँ पे अमृतलाल मीणा ने प्रेषक किया है और सभी जिलाधिकारी को किया है। मुझे लग रहा है कि इसी के हिसाब से सभी न्यूज़पेपर छाप रहे हैं। और यहाँ पर भी जो दिखाया गया है कि जो काउंसलिंग का डेट रखा गया है सेम जो मैंने अभी दिखाया न्यूज़पेपर में बांका और मधुबनी का, वो 29 अक्टूबर का और 31 अक्टूबर का ही काउंसलिंग डेट दिखा रहा है। और यहाँ दिखा रहा है कि 19-11 तक ये पूरी कर लेनी है आपको। और यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कि सिग्नेचर भी अमृतलाल मीणा का ही है और
जो इशू हुआ है लेटर वो 22 तारीख को हुआ है। इसके हिसाब से दोस्तों जो न्यूज़पेपर में न्यूज आ रही है ये बिल्कुल सही है। और दोस्तों जो भी होगा दोस्तों मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन के अंदर में ये जो ओरिजिनल वेबसाइट है यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ कि ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर भी एक नोटिफिकेशन आ रहा है जिसको मैं दिखा रहा हूँ आपको खोल के। देखिए यहाँ पर भी पूरा डिटेल से डेट बाई दिखाया गया है कि कब कब क्या होगा। इसमें तो दिखा रहा है कि आपको जो काउंसलिंग का जो डेट है इसमें भी क्लियर नहीं किया है, लेकिन यहाँ दिखा रहा है कमेंसमेंट ऑफ काउंसलिंग एट डिस्ट्रिक्ट वो 23 से 31 अक्टूबर तक दिखा रहा है। ये बहुत सारी चीज़ दिखाई है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको 19 तक पूरा कर लेना है और फाइनल लिस्ट निकाल देना है। दोस्तों यहाँ बहुत सारा है, सभी डिस्ट्रिक्ट अपना अलग अलग दिखा रहा है। और जो आपका पेपर है हिंदुस्तान का इसका तो बात ही अलग है, ये तो 17 और 20 को दिखा रहा है। इस जो कि अभी तक जितने भी मैंने अभी न्यूज़पेपर देखा है सब अभी वही दिखा रहा है 29 और 31 को। दोस्तों आप इसी को फाइनल मान सकते हैं 29 और 31। दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाया है मैंने बहुत हद तक कोशिश किया है कि आपको सही न्यूज़ दूँ, फिर भी दोस्तों कोई भी आपको दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि जो हिंदुस्तान का जो ये पेपर कटिंग है ये सही है कि जो मैंने अभी दिखाया आपको एक एक करके। ये जो है आपको मधुबनी का कल का जो था 23 तारीख का, और ये आज का है आपका बांका जिला का, ये आपका जो है दैनिक जागरण का, ये आज का 24 तारीख का है इसमें दिखा रहा है। ये सब दोस्तों दिखा रहा है आपको 29 तारीख को, सिर्फ ये हिंदुस्तान को छोड़कर। दोस्तों आपको क्या लगता है क्या, और मुझे दोस्तों लग रहा है कि 29 और 31 को यही होना चाहिए, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाल चुका है बांका में, मधुबनी में, और वो सुरभि भी दोस्तों हो जाएगा क्योंकि सब लोग। और दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत हो आप अगर बांका के हैं मधुबनी के हैं दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप लोग अपने जिला वाइज स्तर से DM ऑफिस से पता कीजिए कि आपको जो फाइनल जो काउंसलिंग का डेट है वो क्या है, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं इस पर और अच्छे से वीडियो बना के ला सकूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियो से समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन क्या करूं आप लोग को समझाना है, इसीलिए दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए। जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।